हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की और कमाल की वीडियो में। आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है। उसका रीजन क्या है कि शायद ही आज तक यूट्यूब पर ये पहली वीडियो बनने वाली है जिस पर आपको बताया जा रहा है कि आप यूट्यूब के लिए अगर स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, उनको एडिट करने के लिए, या फिर आपकी वीडियोज को एडिट करने के साथ साथ आपके चैनल को प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए तो आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। मैं आपको नॉलेज नहीं हो सकता कि आपके पास कितनी रैम होनी चाहिए, कितना आपके पास स्टोरेज होना चाहिए और साथ ही जो कैमरा क्वालिटी है उसमें कितना मेगापिक्सल होना चाहिए जो कि यूट्यूब के लिए परफेक्ट होता है, और भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं इन सभी के बारे में एक ही वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप आराम से डिसाइड कर पाओगे कि आपको आपके बजट के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए जिससे आप इजी आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको मैनेज कर सके। तो दोस्तों, जब भी हम फोन लेने के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है और वो होता है हमारा बजट। अब मे बी किसी का बजट 10,000 रुपए हो सकता है, किसी का बजट 15,000, फिर उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले केवल 15,000 से लेके 20,000 के बीच के फोनों के बारे में। उसका मेन रीजन बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 10,000 से सस्ते फोन खरीदते हैं तो फोन आपको क्या तो अच्छी रैम प्रोवाइड नहीं करेंगे या फिर अच्छे फीचर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ फोन है जो कि 10,000 के नीचे आपको अच्छी रैम और फीचर्स प्रोवाइड करते हैं तो बहुत पुराने फोन हो जाएंगे और वो लेटेस्ट नहीं होते, जो कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है। और अगर आप यहाँ पर बहुत महंगे फोन के अंदर जाएंगे, लाइक 30,000 से ऊपर के फोन के अंदर, तो सारे फोन अच्छे आते हैं, आप उनमें से कोई भी फोन ले लेना, आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो मेन कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है वो होता है 10,000 से लेकर 20,000 के फोनों के बीच में, बिकॉज यहाँ पर ढेर सारे ऐसे फोन है, ब्रांड्स है जिनका वो एक से बढ़कर एक फीचर प्रोवाइड करती है लेकिन देखने में कुछ लगता है और एक्चुअल में कुछ और होता है। उसकी वजह से हम कंफ्यूज होकर खराब चीज ले लेते हैं और बाद में हमें पता लगता है कि नहीं यार, जो मेरे को चीज चाहिए थी वो तो मेरे को मिली ही नहीं। इसी वजह से आज हम इस वीडियो के अंदर केवल 15,000 से लेकर 20,000 तक के वही फोन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बेस्ट होंगे। और मेरे इस पॉइंट से आपकी बात तो समझ में आई गई होगी कि आपको बजट कितना रखना चाहिए। 10,000 से सस्ता फोन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप यहाँ पर बहुत महंगा फोन खरीदते हैं तो फिर आपको ये वीडियो देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, अगर आप यहाँ पर 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में कोई फोन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपका बजट 10,000 से कम है तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देख लेना। और दोस्तों, बजट को डिसाइड करने के बाद में हमारे दिमाग में जो अगला सवाल आता है वो आता है किसी फोन की ब्रांड को लेकर, कि मैं सैमसंग की तरफ जाना चाहिए, वीवो की तरफ जाना चाहिए, ओप्पो या फिर और भी ढेर सारी ब्रांड्स है, हमें किसको पिक करना चाहिए। देखो, अगर हम बात करते हैं 15,000 से लेकर 20,000 तक के फोनों के बीच की, तो यहाँ पर हमारे पास कम से कम 10 ऐसे ब्रांड्स है जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और आपको कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि आप किसी ब्रांड के लवर नहीं होने चाहिए। लाइक मेरे को चाहिए कि मेरे पास सारे फोन सैमसंग के आने चाहिए, या फिर कोई और सोच सकता है कि मेरे को एमआई के फोन पसंद है। तो देखो, आपका पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आपको वो फोन लेना चाहिए जहां पर आपको एडिटिंग और जो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग है दोनों स्टेबल और अच्छे देखने को मिल जाए। लेकिन ये जो पॉइंट है हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा कैमरे का फोन लेना चाहिए और कौन से ग्राफिक्स का फोन लेना चाहिए जो आपके दोनों काम बेटर कर देगा। एंड फाइनली गाइज, आप किसी ब्रांड को पिक क्यों ना करो लेकिन आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 हमारे पास आता है कि हमारे फोन के अंदर कितनी रैम होनी चाहिए और कितना स्टोरेज होना चाहिए। बिकॉज एक ही फोन का अलग अलग 2-3 वेरिएंट आता है, किसी में 4GB रैम, 6GB रैम, 8GB रैम, हमें ऐसा देखने को मिलता है। और एक रैम के चेंज होने पर हमारे पास 2-3 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है, और उसी चक्कर में हम दोबारा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने एक फोन तो डिसाइड कर लिया लेकिन अब कौन सा वेरिएंट खरीदे। देखो, डाउट आराम से क्लियर करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रैम की, तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि आपका जो एक स्मार्टफोन है एक टाइम में कितने एप्लीकेशंस को रन कर सकता है। लाइक आपके पास एक 4GB की एप्लीकेशन है, उसके बाद 2GB की, 10MB की, 15MB की, ऐसे करके आप एक टाइम पर कितने एप्लीकेशंस को एक साथ चला सकते हैं वो आपका डिसाइड करता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है स्टोरेज सिलेक्शन। अब हमारे पास अलग अलग वेरिएंट आ सकते हैं, जैसे कि 32GB, 64GB, 128GB या फिर 256GB। अब यहाँ पर आपको कौन सा पिक करना चाहिए, अगेन एक सवाल पैदा हो जाता है। देखो, अगर आपको लगता है कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एडिट करने के बाद, अपलोड करने के बाद वीडियो आपको आपके पास नहीं रखनी, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, आप कोई भी स्टोरेज वेरिएंट पिक कर सकते हैं। साथ ही आपको लगता है कि आपकी जो फाइल्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रिकॉर्ड नहीं होती, जैसे कि 5 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद आपने उसको एडिट किया, अपलोड कर दिया, डिलीट कर दिया, तो आप यहाँ पर जो कम स्टोरेज वाले फ़ोन होते हैं उनको आप पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो वीडियो फाइल्स है वो 15 मिनट, 20 मिनट, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे की बनती है, तो आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके जो फाइल्स हैं उनके हिसाब से ज़्यादा स्टोरेज वाला फ़ोन लेना चाहिए। और साथ ही आपको लगता है कि आपकी जो वीडियो फाइल्स है अपलोड होने के बाद आपके पास सेव है आपके फ़ोन के अंदर, तो आप यहाँ पर ज़्यादा स्टोरेज वाला फ़ोन ले सकते हैं। बिकॉज जैसे जैसे फोन की स्टोरेज फुल होती जाती है, मतलब कि जो अलग अलग एप्लीकेशन है वो आपके स्टोरेज का यूज कर रही है, और जब नई एप्लीकेशन यूज करते हैं उनको जब स्टोरेज चाहिए होती है तो उनको नहीं मिल पाती, अगर स्टोरेज फुल हो जाती है तो
उस केस में आपका जो फोन है वो स्लो पड़ना स्टार्ट हो जाता है और आपको लगता है कि फोन मेरा हैंग हो रहा है। तो इस केस में जब आपको लगता है कि आपके पास एक बहुत हैवी यूजेज है डेटा का, तो आप यहाँ पर ज्यादा स्टोरेज वाला फोन लीजिएगा, अदरवाइज आप थोड़े स्टोरेज के फोन से भी काम चला सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि मैं कैमरा कितने मेगापिक्सल का लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर मार्केट में 48 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल और भी ढेर सारे वेरियंट अवेलेबल है। और हम नॉर्मली करते क्या है कि जो ज्यादा मेगापिक्सल होता है उसी को पिक कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, बिकॉज यहाँ पर जब भी आप किसी कैमरा को पिक करते हैं लाइक 108 मेगापिक्सल को, तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो कैमरा काम नहीं करता और उस कैमरे को काम करवाने के लिए आपको मैनुअली जाके इनेबल करना पड़ता है। एक फोटो कैप्चर करने के लिए ही वो कैमरा काम करता है। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे हमें कौन सा कैमरा और कितने मेगापिक्सल का कैमरा लेना चाहिए? देखो, जब आप यहाँ पर कोई कैमरा खरीदते हैं या फिर कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं कैमरा के लिए, तो हमें ये देखना चाहिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग कितने FPS पर और किस क्वालिटी के साथ में करता है। नॉर्मली आज के टाइम पर आपको ऐसा फोन लेना है जो कि वीडियो को एटलीस्ट 1920x1080 मतलब कि फुल HD प्लस के साथ वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। साथ ही में हमें EIS का स्कोर देखने को मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसके थ्रू अगर आप यहाँ पर बहुत शेकी इमेज भी रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी वीडियो अपने आप से स्टेबल रिकॉर्ड हो जाएगी, जैसे कि आपने गिम्बल से वीडियो को शूट किया है, और आज के टाइम पर ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे पास जो कैमरा होता है उसमें हमें 4K का और 8K का स्पोर्ट भी देखने को मिलता है, बट आपको वो चीज़ इग्नोर कर देनी है। YouTube वीडियोज़ के लिए हमें 4K या फिर 8K का रिकॉर्डिंग एक मोबाइल फोन के अंदर शायद प्रेफर नहीं करना चाहिए, बिकॉज जहाँ पर हमें वो क्वालिटी देखने को नहीं मिलती जो कि हमें DSLR के अंदर 4K क्वालिटी देखने को मिलती है। तो अगर आप किसी मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको 4K और जो 8K की हाइप है इसके अंदर नहीं जाना है और एक नॉर्मल फोन को पिक करना है जो कि आपको फुल HD प्लस के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करके दे सके। उसी के साथ आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है कि आपका जो रियर कैमरा है उसके साथ साथ आपका जो फ्रंट कैमरा है वो भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है हमें सेल्फी से वीडियो रिकॉर्ड करने की, व्लॉगिंग या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों की, तो आपका जो फ्रंट कैमरा है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट आज के टाइम पर 25 मेगापिक्सल का होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप एक अच्छी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेसर और GPU। देखो यहाँ पर मैं ज़्यादा बातें नहीं समझाऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, बस इतना समझिए कि जो लेटेस्ट प्रोसेसर आते हैं आप उनमें से किसी एक को पिक कर सकते हैं, क्योंकि जितने लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहे हैं वो पहले वाले वेरिएंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आपके पास मार्केट में जो भी नया फोन आया है या फिर लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ या फिर ग्राफिक कार्ड के साथ आया है, आप उस फोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए वही अच्छा होगा। और दोस्तों अब बात आती है ऐसे पॉइंट की जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए आपके लिए। देखो मैंने एक वीडियो के स्टार्टिंग में बात बोली थी कि यहाँ पर कोई ब्रांड या फिर कोई स्टोरेज ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करता, बट हाँ आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो डिसाइड करते हैं कौन सा फोन खरीदना चाहिए। लाइक अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है इतनी है कि आपको सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एडिट करनी है, अपलोड करनी है और सारा डेटा आपको डिलीट कर देना है, तो आप यहाँ पर 4GB रैम या फिर 8GB रैम से भी काम चला सकते हैं। और इसके लिए आपके पास जो फोन बेस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लाइक आपको जो डेटा है बहुत लंबा लंबा रिकॉर्ड करना है, उसके बाद एडिटिंग भी 2-3 दिन के अंदर करनी है और आपको डेटा सेव भी रखना है, तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट 8GB की रैम चाहिए और साथ ही मल्टीपल एप्लीकेशन चलाने के लिए इतनी रैम आपके पास होना बहुत जरूरी है। एंड फाइनली हम बात करते हैं एक ऐसे यूजर की जिसको अपना हर एक चीज सेव रखना है अपने स्मार्टफोन के अंदर, साथ ही में 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मल्टीपल एप्लीकेशन चलानी है और बहुत सारी एडिटिंग करनी है और भी बहुत सारा काम करना है। तो भाई देखो यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 8GB से लेकर 12GB तक की रैम होनी चाहिए और ये स्मार्टफोन है मे बी आपको 20,000 से थोड़ा सा महंगा देखने को मिल सकता है। साथ ही में जो उसका इंटरनल स्टोरेज है वो एटलीस्ट 256GB होना चाहिए, एटलीस्ट बोलूँ या फिर मैक्सिमम बोलूँ 256GB बहुत ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पर इन तीनों जो फ़ोन है इनका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बात और, ये हर महीने अपडेट होते रहेंगे, तो अगर आप इनको आज भी देखते हैं तो आपको आज के हिसाब से लिंक मिलने वाले हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे आज की वीडियो देखने के बाद आप कहाँ तक डिसाइड कर पाए कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स बना रखा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, जाकर सर्च करो यूट्यूब मास्टरमाइंड या फिर आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।